हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सब्जियों के राजा आलू से बनने वाला बहुत ही ज्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी नाश्ता। यकीन मानिए, आपने ऐसी रेसिपी पहले कभी नहीं खाई होगी। बहुत ज्यादा क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसे हम घर में बना रहे हैं। कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब भी इसका जो नेचुरल लुक है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है आलू, जो मैंने 300 ग्राम लिया है। इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर दिया था, फिर ऊपर की इसके नीले छिलके को निकालकर फ्रिज में लगा दिया था 1 घंटे के लिए, ताकि आलू हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडे आलू का ही इस्तेमाल करना है, गर्म आलू इसमें नहीं जाएगा, गर्म आलू से ये रेसिपी नहीं बनेगी। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे, उसके अंदर अपना ये आलू डाल देंगे जो हमने बॉईल करके ठंडा करके रखा है, और अब हम इसे अच्छे से मैश करेंगे। तो मेरे पास मैशर नहीं है, तो मैं इसे कैसे मैश करूंगी आपको बताऊंगी। आप भी वैसे मैश कर सकते हैं अगर आपके पास मैशर ना हो तो। तो फ्रेंड, जो मसाला कूटने वाला था, इसी से हम अच्छे से इसको इस तरह से कूट लेंगे। बिल्कुल मोटा मोटा जो होगा वो उसको महीन कर लेना है, और आलू को ग्रेट करके नहीं डालना है। ग्रेट करने से अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा इस रेसिपी में। इस रेसिपी में हमें आलू को अच्छे से मैश करना है, बिल्कुल इसको स्मूथ सा पेस्ट बना देना है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। इस तरह से थोड़ा सा पकड़ लेना, क्योंकि आलू ठंडा है तो इसलिए फिसलेगा जरूर। इस तरह से जब आप पकड़ पकड़ के इसे अच्छे से पुश करेंगे तो अच्छे से मैश हो जाएगा। अब हम इसकी जो बड़ी गुठलियां है उसको खत्म कर देंगे, बिल्कुल अच्छा सा हमें बिल्कुल बारीक बारीक सा कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आलू को जो मोटा मोटा था बिल्कुल अच्छे से मैंने कर लिया। इस तरीके से आपको भी करना है, मोटा आलू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसे हम साइड में रख देंगे, आगे का काम करेंगे। अब इसके अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आएगी, वो है सरसों का तेल। 1 बड़ा चम्मच हल्का सा गुनगुना करके डालेंगे। अब इसके अंदर 1 बड़ी चम्मच जाएगी सौंफ, जो मीठी वाली होती है। सौंफ का जो टेस्ट है वो खाने के बाद जबान पर आता है, तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, तो सौंफ जरूर डालना। 1/2 चम्मच अजवाइन, जो हम इस तरह से डायरेक्ट नहीं डालेंगे, हथेली पे लेके अच्छे से मसल कर डालेंगे। अजवाइन खाने को डाइजेस्ट करने के साथ साथ बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, तो अजवाइन जरूर डालना है। 1 बड़ा चम्मच हम साबुत जीरा डालेंगे, अगर आप छोटा चम्मच डालें तो आप 2 चम्मच डाल लेना। 1 चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, आप चाहे तो पिसी भी डाल सकते हैं, लेकिन कुटी हुई डालने से इसका लुक बहुत बढ़िया आएगा नाश्ते का, और लुक भी बहुत बढ़िया आएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जो हमने मोटी मोटी से कूटी है, और ये फ्रेश होनी चाहिए, तभी इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। 10 से 15 काली मिर्च को मैंने कूट कर डाला है, इससे बहुत ही प्यारा लुक भी आएगा। 1/2 चम्मच हींग डालेंगे, हींग डालने में कंजूसी नहीं करनी, हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, वो है रेसिपी की जान, 1 बड़ा चम्मच भरकर चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग ड्राई अमचूर पाउडर खटाई डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, आप कोई भी ब्रांड का डाल सकते हैं, मैंने होममेड डाला है। अगर आपको होममेड रेसिपी चाहिए तो बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी गरम मसाले की। अब इसमें हम डालेंगे पुदीना, जो हमारा 2 चम्मच है। अगर आपके पास पुदीना ना हो तो मत डालना, लेकिन अगर हो तो जरूर डालना, इससे बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है पुदीना डालने से, और काफी फ्रेश रहता है गर्मियों में पुदीने का सेवन आपके शरीर के लिए। अब इसके बाद हम इसमें 2 ग्रीन चिली डाल देंगे, जो इस तरह से मोटी मोटी चॉप कर ली है। अगर आप लोग ज्यादा तीखा नहीं खाते तो ग्रीन चिली को हटा सकते हैं। 2 चम्मच हम फ्रेश हरा धनिया डालेंगे, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। हरा धनिया को अच्छे से वॉश करके पैन के नीचे रख दीजिए और सुखा लीजिए। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आएगी, वो इम्पॉर्टेंट चीज है चावल का आटा। तो जो हम 50 ग्राम डालेंगे वेट में, नाप में 1 कटोरी है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्न फ्लोर डाल लेना, अरारोट का आटा डाल लेना, लेकिन चावल के आटे डालने से काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। अब बिना पाई डाले हम अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि आलू में काफी मॉइस्चर होता है और उसी से हमें इसका बिल्कुल आटा लगा लेना है। तो चलिए फटाफट से आटा लगा लेते हैं बिना कुछ पानी डाले अच्छे से। तो फ्रेंड देखिए, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया, तब भी हमारा ये बिल्कुल अच्छे से लग गया है, क्योंकि आलू में काफी नमी होती है और इतना आटा डालना है कि ये बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो जाए आटे के फॉर्म में, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं उस तरीके से। अगर आपका नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आटा आप लोग और डाल देना चावल का। अगर आपको चावल का आटा ना मिले तो आप सूजी को बारीक करके भी डाल सकते हैं, अगर आप कॉर्नफ्लोर या अरारोट का आटा लेने के लिए मार्केट नहीं जाना चाहते या आपके यहाँ नहीं मिल रहा है, तो आप सूजी को बारीक करके डाल देना, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, जो चीजें घर में मौजूद है उसे बना लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम क्या करेंगे, रख देंगे 1 से 2 मिनट, ताकि आलू और जो हमने चावल का आटा डाला है वो अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए और सारे मसाले मिल जाए। तब तक अपने हाथों को वॉश कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे, 1 से 2 बूंद, ताकि जो उसके ऊपर की लेयर है वो सूखे ना। चलिए हाथों को वॉश कर लेते हैं, 2 मिनट बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, देखिए अच्छे से सेट हो चुकी है सारी चीजें। अब इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चीज डालेंगे, वो है व्हाइट वाले तिल, 1 बड़ा चम्मच डालेंगे। अगर आपके पास व्हाइट वाला तिल ना हो तो आप ब्लैक वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तिल डालने से इसका लुक बहुत प्यारा आएगा। तो तिल डाल के वापस से हम इसे अच्छे से एक बार मिला लेंगे। तिल हमने शुरुआत में इतने नहीं डाले थे, अगर हम शुरुआत में डालते तो क्रिस्पी ना रहते। तो तिल को हल्का सा मैंने रोस्ट करके डाला है, आप भी हल्का सा
बिना घी या बिना बटर डाले हल्का सा रोस्ट करके डालना, उससे काफी क्रिस्पी और काफी बढ़िया लुक आएगा और व्हाइट तिल से इसका लुक प्यारा आएगा। अगर आपके पास व्हाइट तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे ब्लैक तिल भी डाल सकते हैं। अगर ब्लैक तिल ना हो तो क्या डाल सकते हैं हम आपको बताते हैं, तो अभी हम आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड ये जो कलौंजी आती है आप ये भी डाल सकते हैं, जिसको मगरेल बोलते हैं इसको भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास तिल ना हो। तो चलिए हम इसे रख देते हैं साइड में क्योंकि हमने तिल डाला है। अब अपने हाथों को वॉश कर लेंगे फिर इसे शेप देंगे, बहुत ही प्यारा सा शेप देंगे और सभी कोई इसे आसानी से प्यारा सा शेप दे सकते हैं। आप अपने मन मुताबिक जैसा शेप चाहे लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो इसे शेप देने के लिए हम ले लेंगे एक चॉपिंग बोर्ड, अगर आपके पास ना हो तो आप चकला ले सकते हैं जो रोटी वाला होता है जिसपे आप रोटी बेलते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, तेल डालना है ताकि ये चिपके ना। तो 1 से 2 चम्मच हम तेल इसके ऊपर डाल देंगे और हल्का सा गर्म तेल डालना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म तेल से ये हल्का सा बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरह से हम पूरे चॉपिंग बोर्ड में इसको फहरा लेते हैं। आप चाहे तो ब्रश से भी कर सकते हैं लेकिन हाथों से काम आसानी से हो जाता है। जितनी दूर में आपको बनाना है उतनी दूर में आप इसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। तो देखिए फटाफट हो गया है। अब अपने मिश्रण को रखेंगे, 1 से 2 बार इस तरह से हम चिकना करेंगे और इस तरह से हम इसको थोड़ा सा कर लेंगे और अब हम इसको कट करेंगे। तो चलिए कट करते हैं। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इसको कट करेंगे फिर बाद में इसे शेप देंगे। तो इस तरह से कट करना है। देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है और पूरे महीने आप इसे स्टोर कर सकते हैं अगर आप मेरी टिप को फॉलो करके बनाएंगे। तो आप चलिए इसको हम रख लेते हैं अपने बर्तन में वापस और एक एक लेके शेप देंगे। कैसे शेप देंगे अभी आपको बताते हैं। तो ये देखिए एक हमने ले लिया है, सिर्फ एक लेना है और इसे इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरह से पतला बनाना है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और इसको हम साइड से इस तरह से कट कर देंगे ताकि ये इक्वल रहे। फिर इसके बाद हमें इसको हल्का हल्का सा इस तरह से कर देना है। तो देखिए हो गया है, इसी तरह हम अपने सारे बना लेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है। आप चाहे तो इसे हाथ से बना सकते हैं लेकिन इस तरह से काम आसान हो जाता है और बहुत ही आसानी से शेप भी आ जाता है। आप इसे कटलेट के शेप में बना सकते हैं लेकिन ये फिंगर वाला शेप बच्चों को काफी पसंद होता है और इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है, बच्चे आलू के फिंगर महसूस कर रहे हैं कमी। तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल बराबर साइज के रख के काट लेना। तो चलिए सारे बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से बना लिया, आधा मिश्रण मैंने रख दिया फ्रिज में, बाद में बनाऊंगी। आप भी इस तरह से बना के इसे फ्रिज में रख सकते हैं, हवाबंद डिब्बे में जब मन हो निकाल के आप इसे बना सकते हैं। काफी कुरकुरा, काफी सेफ है, काफी ज्यादा हेल्दी है। तो चलते गैस की तरफ इसे बनाकर दिखाते हैं आप लोगों को कैसे बनाना है, किस फ्लेम पे बनाना है। तो चलते गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और एक कढ़ाई रखी है, उसमें हमने भरकर तेल नहीं रखा है, 250 ग्राम तेल रखा है। इसे हम अच्छे से गर्म कर लें। कढ़ाई जो भी लीजिए, अल्मोनियम की लीजिए या स्टील की लीजिए या लोहे की लीजिए, थोड़ी सी फैली वाली लीजिए और थोड़ी सी भारी लीजिए। और तेल को हमें हाई फ्लेम पर गर्म करना है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और इस तरीके से चेक करेंगे। हथेली पर अगर हल्की सी गर्माहट लग रही थोड़ा सा दूर से रखना तो समझ जाइए आपका तेल हो गया। तो मेरा तेल हो चुका है। तो इस तरह से हम बिल्कुल प्यार से डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालेंगे, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि इनको पकने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तभी ये कुरकुरे क्रिस्पी बनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना, मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकने देंगे। तो एक बार में मैंने 5 डाले हैं। अब इसे 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना है, 2 मिनट बाद हम इसे टर्न करेंगे। कैसे करेंगे आपको बताएंगे अभी। तो 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दीजिए। फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम छोटे चम्मच की सहायता से इस तरह से इसको टर्न कर देंगे। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है और ये लो फ्लेम पर हमें धीमे धीमे 2 मिनट और पकाना है। फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, ये अच्छे से डन हो गए हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब इसे 10 सेकंड हाई फ्लेम पर पकाएंगे और इस तरह से अलटते पलटते रहेंगे ताकि प्यारा सा कलर आ जाए। 10 सेकंड तक फुल फ्लेम पर पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए ओए होए कितना प्यारा रिजल्ट आया है इसका और कितने कुरकुरे हैं। तो इस तरह से थोड़ी देर रखेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए और अब इसे हम साइड में रख देंगे और बाकी बचा भी हम सेम इसी तरीके से डालेंगे जैसे हमने पहले वाला डाला था, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। और एक बार में हमने 5 डाला है। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी बड़ी बहुत बड़ी है तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। अब 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, जैसे हमने पहले बनाया था वैसे इसी तरह से सारे बनाकर आपको लास्ट में दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा डियर। तो फ्रेंड ये देखिए बनकर रेडी हो चुका है, इसकी खनक ही बता रही कितना क्रिस्पी है। और दूसरी बात, काफ़ी कुरकुरा होने के साथ साथ ये देखिए बहुत ही कम तेल सोखता है। इस तरह से हम हथेलियों पे इसे अच्छे से प्रेस कर रहे हैं तो हमारी हथेलियों पे ऑयल ही ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर से करारा है, क्रिस्पी है, अंदर से काफ़ी फ्लफी और काफ़ी सॉफ्ट है
और मुंह में मेल्ट होने वाला बना है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। और इसमें जो मैंने तिल डाला है उसकी वजह से इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत आया है, और तिल जब मुंह में आएगा तो मजा आ जाएगा खाके, और काली मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, महीनों महीनों खराब नहीं होती, आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। चाय के साथ, केचप के साथ, हरी चटनी के साथ खाइए, किसी के साथ दिखाएंगे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।